तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, हमने अभी अभी बोरजो में एक पार्सल पिकअप किया है। जी हाँ, अब इस पार्सल को खोल के दिखाते हैं, इसमें है जादू। चलिए खोलते हैं और आपको दिखाते हैं जादू। जी हाँ, जस्ट अभी इस पार्सल को पिकअप किया है और एड्रेस खोलते के साथ ही हमारे सामने 2 घंटा ऑलरेडी ये पार्सल लेट है। तो भाई, हमने लेट नहीं किया, हमने तो जस्ट अभी 1 मिनट पहले इस पार्सल को पिकअप किया है। और भाई, पिकअप पॉइंट पे जाने के लिए जैसे ही हमने इसको खोला तो देखा है कि 2 घंटा ऑलरेडी लेट है। अब अपना दिमाग के घोड़े हम जब दौड़ाए तब हमें पता चला कि शायद किसी भाई ने इस पार्सल को कंप्लीट कर दिया और कंप्लीट करने के बाद कैंसिल कर दिया। तो भाई, हमारी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही और आपको भी हम दिखाना चाहते हैं कि भाई देखो, 140 रुपये राइडर को मिलने थे। अब 140 रुपये राइडर को मिले थे तो क्या कस्टमर से बहुत ज़्यादा अमाउंट लेनी थी? जिसकी वजह से नहीं भाई, कस्टमर से सिर्फ 172 रुपये लेने थे। भाई, सिर्फ 30 रुपये का फ़र्क है, सिर्फ 30 रुपये का फ़र्क है। जबकि इस ऑर्डर को उसने कैंसिल किया होगा तो कैंसिलेशन के 40 रुपये लगे होंगे। अब यहाँ पर हो सकता है कि उस राइडर ने कस्टमर को बोल दिया हो कि सर, इसमें थोड़ा सा ऑर्डर के अंदर चेंज कर दो, इधर उधर कर दो, टाइम बढ़ा दो, घटा दो। तो जैसे ही कस्टमर ने उस टाइम को बढ़ाया, घटाया या एड्रेस में कुछ चेंजिंग करी, राइडर के पास एक ऑप्शन आ गया ऑर्डर को विड्रॉ करने का। और भाई, राइडर ने तुरंत उस ऑर्डर को विड्रॉ कर दिया। तो ये राइडर के जो है 1 रुपया भी पेनल्टी का उसको नहीं लगा, नहीं लगा। तो टोटल 172 रुपये राइडर को मिल गए और कंपनी को मिला ठेंगा। और भाई, गलती से हो क्या गया कि ये ट्रिप आ गई मिश्रा जी के पास, यानी मिश्रा जी ने इस ट्रिप को एक्सेप्ट कर लिया। अब मजबूरी है भाई, हम क्या करें, हमें तो फंसा रहना नहीं है। तो हम इसको डालेंगे सीधा बोरजो ऑर्डर हेल्प ग्रुप के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तो कंपनी वाले क्या उस राइडर को छोड़ देंगे? हमें तो नहीं लगता कि कंपनी वाले उस राइडर को छोड़ देंगे। हमें भी तो बचना है, क्योंकि हम भी इसको अगर कैंसिल करेंगे तो हमारे 40 रुपये लगेंगे। तो क्यों ना हम बोरजो ऑर्डर हेल्प के अंदर इसको डाल देते हैं और जो करना होगा वो कंपनी वाले करेंगे। चलिए उसके अंदर डालते हैं और फटाफट इस ऑर्डर से छुटकारा पाते हैं। तो दोस्तों, ऑर्डर को हमने बोरजो हेल्प ग्रुप के अंदर डाल दिया था और डालने के बाद हम तो भाई एक दूसरा ऑर्डर लेके ऊबर का निकल गए थे। और हमने एक रिक्वेस्ट भी कर दी थी उस ग्रुप के अंदर कि भाई कुछ ऐसा करना कि इस राइडर की आईडी भी बंद ना हो और इसको सबक भी मिल जाए। तो भाई, हुआ ऐसा कि इस ऑर्डर को, जिसको उस राइडर ने कैंसिल कर दिया था और सोचा कि कंपनी का कमीशन वो बचा लेगा, तो भाई हमने थोड़ा सा उल्टा करवा दिया। हमने इस ऑर्डर को उसकी ही आईडी के ऊपर कंप्लीट करवा दिया और कंपनी का कमीशन अब उसको पे करना पड़ेगा। वो भी अपना माथा खजुआ रहा होगा कि आखिर ऐसे कैसे हो गया कि ऑर्डर को मैंने कैंसिल करवाया था इतना जुगाड़ लगा के और कंपनी का कमीशन बचाया था, लेकिन ये क्या हो गया? ये ऑर्डर तो मेरी ही आईडी पे कंप्लीट दिखा रहा है और अब मुझे इस ऑर्डर के कमीशन को भी पे करना पड़ेगा। चलिए, वीडियो को खत्म करने से पहले हम एक राय देना चाहते हैं ऐसे राइडर को जो अपनी आईडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, आप इस तरह का खिलवाड़ बिल्कुल भी मत करिए आईडी के साथ, क्योंकि ये आईडी ही आपकी रोजी रोटी है। आज तो आप बच गए हैं, 20 या 30 रुपए या 50 रुपए के लिए आप कंपनी के ऑर्डर को डायरेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, ऑफलाइन पूरा कर रहे हैं। और कंपनी को भाई जैसे ही पता चलेगा वैसे ही क्या होगा, वैसे ही कंपनी आपकी आईडी बंद कर देगी। फिर आप जो ये काम कर रहे हैं ये भी नहीं कर पाएंगे। आप जो बेईमानी से कर रहे हैं वो तो कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन जो ईमानदारी से भी कर रहे हैं भाई, वो काम भी आप नहीं कर पाएंगे। तो अपनी आईडी से बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें। चलिए, इसी संदेश के साथ मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के अंदर, फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।